नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास बुलेटिन बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार तो बन गई, लेकिन बार बार सरकार के घटक दलों में किसी ना किसी मुद्दे को लेकर मतभेद खड़े हो जाते हैं। अब महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के बीच औरंगाबाद शहर का नाम बदलने के मुद्दे पर विवाद खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस और शिवसेना एक दूसरे से नाराज दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने की योजना बना रही है। इस पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने शिवसेना को गठबंधन धर्म और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की याद दिला दी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा, औरंगाबाद का नाम बदलना शिवसेना का अपना पुराना एजेंडा है, लेकिन सरकार तीन पार्टियों की है, यह नहीं भूलना चाहिए। गठबंधन की सरकारें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से चलती हैं, किसी के पर्सनल एजेंडे से नहीं। कांग्रेस की नाराजगी की खबरों को शिवसेना तूल नहीं देना चाहती है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, औरंगाबाद का नाम बदलना शिवसेना का पुराना एजेंडा है और साथ बैठकर महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियां इस पर एक राय बना लेंगी। महाविकास अघाड़ी में कोई विवाद हो तो बीजेपी कैसे पीछे रह जाए। औरंगाबाद के नाम बदलने के मुद्दे पर शिवसेना और कांग्रेस की नाराजगी पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी ने कहा कि ये काम शिवसेना पहले भी कर सकती थी। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, शिवसेना को महानगर पालिका चुनाव से पहले संभाजी नगर नाम याद आया, यह काम पहले क्यों नहीं किया गया, ये पूरी लड़ाई ही झूठी है। मुझे लगता है वंदनीय हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाला साहब ठाकरे जी ने उसका नामकरण किया था और उनका हर शब्द हमारे लिए प्रमाण है। शिरसा वंद्या। अब रही बात संभाजीनगर नाम करने के बारे में, तो उस वक्त से हम करते आए हैं, आज तक हम लोग संभाजीनगर कहते हैं। इस देश के लिए कुछ आदर्श पराक्रमी राजे हुए हैं, उनमें से संभाजी राजे, छत्रपति संभाजी राजे, जिन्होंने अपने प्राण की आहुति इस राष्ट्र के लिए दी है, इस मातृभूमि के लिए दी है, और वो आने वाले जमाने के सारे युवाओं पीढ़ियों के लिए एक आदर्श हो सकते हैं। औरंगजेब हमारा आदर्श कभी नहीं हो सकता। हमारा क्या धर्म की कोई भी हो, जो भी इस देश में जितने भी धर्म हैं उनके लिए औरंगजेब कोई आदर्श नहीं हो सकता। उसके लिए ऊपर राजनीति करना, बवाल करना मुझे नहीं ठीक लगता। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब इसका निराकरण करेंगे, उनके साथ बातचीत करके वो समस्या का निराकरण करेंगे। महाराष्ट्र में औरंगाबाद महानगर पालिका के चुनाव नजदीक हैं। इसी बीच राज्य में इसके नाम को लेकर फिर से सियासत शुरू हो गई है। शिवसेना ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किए जाने की मांग की है। वहीं महाविकास अघाड़ी सरकार की ये जो अब इस मसले पर सियासत शुरू हो गई है। सरकार के सदस्य कांग्रेस ने इस बात पर कड़ा विरोध जताया है। इधर महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने साफ कर दिया है कि अगर नाम बदला गया तो सरकार खतरे में आ जाएगी। और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ शिवसेना से शशि इस समय लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शशि जी का सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। नमस्कार, मैं मेरी आवाज पहुंच आपके सभी। बिल्कुल बिल्कुल शशि यादव जी, देखिए मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या कुछ महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? अब आप जरूर ये बात कहेंगे कि नहीं, सरकार बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन एक के बाद एक जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है। औरंगाबाद के नाम बदलने को लेकर सियासत क्यों? सर्वप्रथम तो मैं एनबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ जी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज यहाँ पे हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस और शिवसेना तीनों का गठबंधन महाविकास अघाड़ी बहुत ही सुंदर तरीके से चल रही है जी। और मिलजुल के आकार महाविकास का कार्य गत एक वर्ष से बहुत सुंदर सुचारू रूप से चल रहा है।
इसमें कोई दो बात नहीं है। तो औरंगाबाद का नाम बदलने पर ऐसे ये तलवारें क्यों खिंच रही हैं सर? संजय निरुपम ऐसे क्यों कह रहे हैं कि अगर औरंगाबाद का नाम बदला गया तो सरकार खतरे में आ जाएगी? देखिए पल्लवी जी, ऐसा है कि हर पार्टी का अपना नीति, धोरण, सोच विचार हर अपनी पार्टी के अपने अपने हैं। हम मानते हैं कि कांग्रेस का इससे ये हो सकता है कि भाई कुछ नाराजगी हो सकती है, लेकिन ये कोई विकास आघाड़ी का, महाविकास आघाड़ी पार्टी को चलाने का कोई इसमें कोई मुद्दा नहीं है। और हम लोग सब मिल बैठ के ये बातें एक साथ में हमारे जो भी वरिष्ठ नेता हैं वो कर लेंगे और मुझे लगता है कि ये मुद्दा सुलझ जाएगा। ठीक है, अनुज जी से पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद लौटूंगी मैं शशि जी आपके पास। अनुज अत्रे जी, किस तरह से आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर शिवसेना और कांग्रेस में तकरार क्यों हो गई है? संजय निरुपम इतना भड़क क्यों गए हैं? क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर कर दिया जाए? देखिए, मुझे लगता है इस पर बैठ करके कांग्रेस पार्टी और अपना अलायंस दल के हमारे जो तीनों घटक हैं बैठ करके अभी हम लोग बात चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद, क्योंकि अभी ये बहुत प्रीमेच्योर है इस पर कोई भी बात करना। अभी ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया नहीं है, ठीक है, शिवसेना इस पर विचार कर रही होगी, लेकिन सरकार में कोई भी अगर बिल पेश किया जाएगा या कोई भी कानून बनाया जाएगा या कोई नाम बदलने की बात की जाएगी तो पहले अलायंस में बैठ करके उस पर इन कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत हम लोग चर्चा करेंगे। अगर वो तीनों दलों की रजामंदी होती है तभी वही चीज होगा काम। तो अकेले कोई कांग्रेस चाहे कोई चीज करवाना वो संभव नहीं है, अकेले शिवसेना चाहे वो संभव नहीं है, अकेले एनसीपी चाहे वो संभव नहीं है। जब अलायंस की, गठबंधन की सरकारें होती हैं तो गठबंधन की सरकार का मतलब ये होता है कि तीनों दलों को उस पर राजीनामा हो, हमारी आपस में राय मशवरा तीनों की एक होगी तो निश्चित तौर पे होगा। भी बैठेंगे, चर्चा करेंगे, उस पर विचार करेंगे कि क्या उचित है, उस पर उसके हिसाब से सरकारें वहां पे निर्णय ले लेंगी। तो फिर जब इतना मैच्योरिटी से सब कुछ हैंडल करना है तो संजय निरुपम इस तरीके से सरेआम क्यों भड़कते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार खतरे में आ जाएगी और ये किसी एक दल की पार्टी नहीं है, तमाम बातें क्यों कही गई? वो चाहते तो शांति से बोल सकते थे ना, शिवसेना या संजय राउत को वो पत्र लिख देते कि चलिए पहले इस पर बैठ के आराम से विचार विमर्श करते हैं, वहां ऐलान कर दिया जाता है, यहां संजय निरुपम का बयान आ जाता है। ये जो टकराहट है ये साफ तौर पर क्यों दिखा रहे हैं आप? नहीं देखिए, इसमें टकराव वाली कोई ऐसी बात नहीं है, ना कड़वाहट वाली ऐसी कोई बात है, ठीक है। इतना बड़ा दल है, इतने बड़े उसमें हजारों लाखों लोग कार्यकर्ता हैं, हजारों सैकड़ों उसमें नेता हैं, तो सब लोगों की एक सी विचार नहीं हो सकते। कुछ लोग उसको संयम से ले लेते हैं, कुछ लोग अपना जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी भी कहीं किसी कोने से आ सकती है कि भाई ये चीज उचित नहीं है, इसका होना चाहिए। तो ठीक है, संजय निरुपम जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, तो उनको ये चीज ज्यादा खर गई होगी तो इसलिए उन्होंने अपना हिसाब से बोल दी। लेकिन पार्टी पार्टी अभी जो उस पर निर्णय लेगी और सरकार का जो हमारा जो एक गठबंधन का जो अलायंस बना है उस पर बैठ करके इसमें चर्चा की जाएगी, उसके बाद कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा, वो सब बाद की बातें हैं, अभी किया जाएगा उस पर चर्चा पहले। अभी कोई इस तरह का ऐसा प्रस्ताव आया नहीं है शिवसेना की तरफ से, प्रस्ताव आएगा बैठ के उस पर चर्चा की जाएगी, अगर उचित लगेगा उनका तर्क कहीं से कुछ उचित लगेगा तो मान लिया जाएगा, अगर कांग्रेस का तर्क उचित लगेगा तो उनको मानना पड़ेगा। ठीक है, शशि यादव जी, ये बार बार आपको याद क्यों दिलाना पड़ रहा है? सोनिया गांधी आपको याद दिलाती हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने गठबंधन किया था और अभी उस पर काम नहीं हो रहा है, फिर अब संजय निरुपम आपको याद दिला रहे हैं, शिवसेना को ये बातें बार बार याद क्यों दिलानी पड़ रही है? भूल जा रहे हैं क्या आपकी कांग्रेस भी आपके साथ गठबंधन में है? सही बात है कि हमारी जो महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ है वो कहीं ना कहीं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही ये सारी गठन हुआ है और हम काम भी बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सुचारू रूप से आगे बढ़कर मिलजुल के कर रहे हैं। देखिए क्या है कि ये जो मुद्दा है ये 30 साल पुराना है। सन्मान्य हिंदू युद्ध सम्राट बाला साहब ठाकरे जी, इन्होंने ये प्रस्ताव 30 साल पुराना उन्होंने रखा था कि भाई ये औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा जाए, और ये 1995 में भी ये मुद्दा प्रस्ताव में महानगर पालिका औरंगाबाद में रखा गया था, और 2001 में ये राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार ने इस मुद्दे को खारिज किया था। हालांकि अब तो खुशी की बात है कि हम सब एक साथ में हैं और ये हमारे जो भी वरिष्ठ नेता हैं सब बैठ के इस बातों को मिलजुल कर सुलझा लेंगे, ऐसा मुझे लगता है।
नहीं तो सामने क्यों आ रही है सर? मैं बार बार, मेरा सवाल तो यही हो रहा है कि सामने क्यों आ रही है? देखिए, तकरार की जो बातें हैं, अगर आपके कुछ बातें अगर चार दीवारी में रहे तो ही अच्छा है, लेकिन आपकी तो चार दीवारी से बाहर निकल कर आ रही है, और बार बार इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है वो भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और ये बात तो मुझे जहाँ तक याद है कि कांग्रेस के ही एक नेता ने पत्र तक लिख दिया था सोनिया गांधी को, ये कहते हुए कि हम सिर्फ सहयोगी दल बनकर रह जा रहे हैं, सरकार चलाने की भूमिका में सिर्फ शिवसेना और एनसीपी है। देखिए, सरकार में कोई भी मतभेद नहीं है, ये बातें तो बिल्कुल एकदम शीशे की तरह साफ है। आपको पता है कि जो विरोधी पक्ष है ये जानबूझ के बीच बीच में कुछ ना कुछ बातें डाल देती है कि सरकार कहीं ना कहीं अड़चन में आ जाए, लेकिन वो तो शुरू से ही, जब से हमारी सरकार महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ है, तब से भारतीय जनता पार्टी का यही रहा है कि अपने भगवान को पानी में डुबा के रखा और तीनों पार्टियां कुछ न कुछ बीच में चिंगारी डालने की कोशिश हमेशा बनी रही है। तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कोई भी मतभेद नहीं है। हमें लगता है कि हमारे सारे नेता आपस में बैठकर, ये तीनों पार्टी के, राष्ट्रवादी के हैं और कांग्रेस के हैं और शिवसेना के हैं, जो भी नेता हैं, बैठ के आपस में इस विषय को सुलझा लेंगे। ठीक है शशि यादव जी, औरंगाबाद का नाम बदलना शिवसेना का पुराना एजेंडा है, और बाला साहेब थोराट तो पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि औरंगाबाद का नाम नहीं बदला जाएगा, इस प्रस्ताव का हम विरोध करेंगे ही करेंगे। इस बीच अब संजय निरुपम ने हाल ही में बयान दे दिया है कि इस तरीके से नहीं चलेगा। तो क्या अगर कांग्रेस नहीं मानती है तो आपको अपना एजेंडा बदलना रहेगा? क्या आप अपने एजेंडे से पीछे हट जाएंगे फिर? देखिए, हम अपने एजेंडे पे कायम हैं और ये बहुत ही पुराना मुद्दा है, और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर फैजाबाद का नाम अयोध्या हो सकता है, मुगल सराय का नाम अगर कहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो सकता है, या ये सब चीजें अगर हो सकती हैं, तो औरंगाबाद का नाम भी संभाजी नगर हो सकता है। बातें ऐसी है कि देखिए, इसमें किसी को भी दो मत नहीं ना, तो हमारे सहयोगी पार्टियों को भी आपस में कोई भी ये नहीं है कि संभाजी नगर नाम क्यों रखा जाए, क्योंकि शिवाजी छत्रपति महाराज के नाम से सारे लोगों की सहमति है, संभाजी छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से सारे लोगों को सहमति है। ठीक है, ये आपस की उनके जो आपस कांग्रेस के अपनी एक नीति धोरण सोच विचार अपने अपने हैं, इसलिए वो जरूर इसका अगर कर रहे हैं या कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है, लेकिन इसका परिणाम हमारे महाविकास आघाड़ी पे बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, आपने ये तो कम से कम माना कि विरोध किया जा रहा है। अनुज अत्रे जी, विरोध तो किया जा रहा है, आप किस तरीके से, आप क्या शिवसेना के पुराने एजेंडे को बदल देंगे, औरंगाबाद का नाम नहीं रखने देंगे संभाजीनगर? देखिए, अभी इस तरह का कोई भी बात जो है अभी यहाँ पर चर्चा पे हम इसको निर्णय नहीं ले सकते। महाराष्ट्र की तीनों पार्टियां, हमारी जो जो सरकार के सत्ताधारी दल हैं, तीनों बैठ करके बात करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे कि आखिर शिवसेना अगर चाहती है तो उसके पीछे क्या औचित्य है, क्या कारण है। शिवसेना बैठेंगी, हम लोग अलायंस घटक दल के तीनों, हमारे दल पार्टी के तीनों नेता बैठेंगे, उस पर चर्चा होगी। कोई ऐसा कोई झगड़ा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का जो प्रयास कर रही है वो संभव नहीं है। जब परिवार होता है तो उसमें परिवार में कहीं ना कहीं मनभेद भी हो जाता है, कहीं ना कहीं विचारों का भेद भी, भिन्नता भी आ जाती है, तो बैठ करके मसले सुलझा लिए जाते हैं, या तो उनकी मान ली जाती है या अपनी मनवा ली जाती है। तो यहाँ भी यही होगा, कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, इस पर बैठ करके चर्चा की जाएगी और उसको चर्चा के तहत बैठ करके बात वार्ता की जाएगी, वार्ता से सुलझ जाएगा ये मामला। ठीक है अनुज जी, शशि जी, आप दोनों लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में हमें यहाँ रुकना है, बुलेटिन के बाद फौरन हाजिर होंगे। सुन, कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा हूँ, बाहर सब खुला हुआ है। मास्क कहाँ है तेरा? मास्क इधर। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना से लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो, बार बार साबुन से हाथ धोते रहो या अल्कोहल के सैनिटाइजर से। जब भी किसी से बात करो, मार्केट में जाओ, कहीं भी जाओ, कम से कम 2 गज की दूरी रखो। खांसी हो, बुखार हो या सांस लेने में तकलीफ हो, तुरंत कोविड हेल्पलाइन नंबर 1075 या 8558893911 पर तुरंत कॉल करो। मास्क ना हो तो? मास्क ना हो तो गमछा लपेट लो। गमछा? हाँ, शाबाश, अब जाओ। आप भी समझदारी दिखाइए, कोरोना को हराइए।
बस करो माल साहब, तुसी रेडी होके फिर शुरू हो गए, थोड़ी भी ना एनर्जी नहीं खत्म होंगी। सासीकाल फोफड़ जी। ओए सासीकाल, ओए 8 बजे तक कह के 11 बजे जाते हो तुसी। ये फोफड़ जी आंखी नहीं खोलदी, थक्या थक्या जा शरीर रहंदा, थोड़े च इस उम्रे भी पूरी फुर्ती है। ओए मेरी फुर्ती दा राज है वैद्यवान दा एक्स प्लस मर्दाना कोर्स, ते पिछले 30 वर्यां तों यही है मेरी सेहत दा राज। इम्यूनिटी बढ़ाउण दे नाल नाल मर्दाना ताकत लई ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बुलेटिन में। हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर शिवसेना और कांग्रेस में ठनी हुई है। आपको बता दें कि जहां कांग्रेस लगातार इस बात का विरोध कर रही है कि औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजीनगर नहीं रखा जाएगा, वहीं शिवसेना का ये पुराना एजेंडा रहा है। ऐसे में अब दिलचस्प हो गई है ये लड़ाई। देखने वाली बात यह रहेगी कि किस तरीके से दोनों पार्टियां मिलकर इस मसले को सुलझा पाती हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शशि यादव जी, औरंगाबाद महानगर पालिका का चंद महीनों में चुनाव है, उससे पहले औरंगाबाद का नाम बदलने की याद शिवसेना को आ गई है, चुनावी एजेंडा बनाना चाहते हैं आप इसे, चुनाव इसी पर लड़ना चाहते हैं क्या? देखिए पल्लवी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिवसेना हमेशा समाज का रास्ता है। ये कोई मुद्दा नहीं है, 30 साल से पहले का पुराना मुद्दा स्वर्गीय बाला साहब ने आया था और ये प्रस्ताव कब से चल रहा है और ये प्रस्ताव इस साल पहले से किया था। एक तो बोलते हैं ना कागजी कार्रवाई बाकी है, बाकी ये प्रस्ताव तो रखा जा सकता है। औरंगाबाद महानगर पालिका में भी इसका प्रस्ताव 1995 में रखा गया था, 2001 में शायद ये खारिज हुआ था। लेकिन अभी ये मुद्दा कोई चुनावी बिल्कुल नहीं है और हम लोग तीनों पार्टियां आपस में मिलके कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, हमारे ठाकरे साहब इनके नेतृत्व में बहुत सुंदर काम हो रहा है और ये दोनों तीनों मिलके आपस में विचार विमर्श करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये कोई चुनावी मुद्दा बिल्कुल नहीं है। हमें कोई इस चुनाव से कोई मतलब नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो भी चीजें हैं तीनों जन मिलके आपस में मिलके आगे भी लड़ेंगे। बीजेपी विधायक राम कदम कह रहे हैं कि ये सब सिर्फ एक नाटक है, आपको तब तो प्रस्ताव लाने की याद नहीं आई जब शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में थे और अब अचानक से चुनाव से ठीक पहले औरंगाबाद के नाम की आपको याद आ रही है, बस आपके लिए चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं। पल्लवी जी, मैं तो ये कहूंगा कि जब से हम तीनों जन मिलकर तीनों पार्टियां एक होकर महाराष्ट्र में सत्ता किया है, तब से बीजेपी हमेशा ही विरोध करती रही और काम भी विरोध दर्शाना है कि भाई कहीं ना कहीं हमारे हाथ से सत्ता चली गई है और बोलते ना कि मुंह तक आई खाली हाथ तक होगी, मुझे लगता है। ठीक है अनुज अत्री जी, कांग्रेस के लिए नामांतरण का विरोध करना क्या मजबूरी है क्योंकि वहां पर मुस्लिमों की संख्या कुछ ज्यादा ही है और फिर आगे की राजनीति तो आप भी भली भांति समझ रहे होंगे, तो क्या यही माना जाए कि औरंगाबाद का नाम ना बदलना और इस पर डटे रहना आपके लिए भी एक मजबूरी बन गई है, वोट बैंक की बात हो गई है? नहीं देखिये, कोई भी मजबूरी के तहत काम नहीं किया जाता, कहीं ना कहीं अपने एक विचारधारा की बात होती है। कांग्रेस पार्टी का शुरू से जो है रहा है, हमारा संविधान रहा है पार्टी का, कि हम लोग जो है सभी धर्मों के लोग एक साथ को सबका सम्मान करते हैं, हम लोग सेकुलरिज्म में विश्वास करने वाले लोग हैं और किसी भी तरह का सांप्रदायिकता की छवि चाहे किसी भी धर्म के प्रति हो, कांग्रेस पार्टी उसको बढ़ावा देने में विश्वास नहीं करती। हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश में सब लोगों को सब धर्मों के समान आदर सम्मान हो, सब प्रदेश हमारे जो है एक से प्रदेश है, सब लोग प्रदेश को सबको मिलाकर के भारत एक देश बनता है और कोई भी यहाँ पर आपस में हम लोग भिन्नता वाली बात किसी तरह के नहीं करना चाहते ना करने देंगे। रही सवाल औरंगाबाद का, तो औरंगाबाद का सदियों से नाम, एक जिले का नाम है उसका, शिवसेना के एजेंडा में हो सकता है रहा हो ये, लेकिन जब कॉमन मिनिमम एजेंडा बनता है तो तीनों दलों को अपने अपने व्यक्तिगत जो निजी एजेंडे होते हैं वो साइड में रख करके, कॉमन मिनिमम एजेंडे का मतलब यही होता है। कितने ऐसे जो बिंदु हैं जो कांग्रेस के एजेंडा में रहे हैं, हमने जब ये
एक कॉमन मिनिमम एजेंडा जब सरकार का बना था तो हमने भी अपने एजेंडा को उनको दरकिनार किया है आपस में, ऐसे ही नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने भी अपने कई एजेंडे के बिंदुओं को छोड़ा है। उसी तरह पे शिवसेना को भी कहा गया है कि आप भी अपने जो एक एजेंडा बनाया गया है सरकार उसी एजेंडा के तहत, पार्टियों का एजेंडा कुछ भी हो सकता है, आपके अपनी पार्टी स्वतंत्र है, जिन सीटों पर आप लड़ रहे हैं आप महाराष्ट्र में स्वतंत्रता से अपने एजेंडा के तहत बात कर सकते हैं। लेकिन जहां तक हमारे साथ सरकार चलाने का सवाल है तो हम लोग जो जिन शर्तों के तहत ये सरकार का गठन हुआ था उन्हीं शर्तों के प्रति कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है और हम अपनी प्रतिबद्धता के साथ चाहते हैं कि महाराष्ट्र में विकास की जो एक साल ऊपर हो गया है सरकार चलते हुए, ये विकास को पूरे चार साल तक और चल करके पूरे पांच साल से मजबूती से महाराष्ट्र की सरकार को विकास दिया जाएगा और एक मजबूत राष्ट्र के रूप में, प्रदेश के रूप में राष्ट्र को जो है समर्पित रहेगा महाराष्ट्र। तो फिर अनुज जी, ऐसा मान लिया जाए कि सिर्फ ये जो अभी चुनाव है इस चुनाव तक ही औरंगाबाद का मसला रहेगा, उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? वैसे देखा जाए तो वहाँ MIM के सांसद हैं और MIM का ही वहाँ पर दबदबा है और कांग्रेस के लिए सिर्फ एक वोट बैंक की से राजनीति कहा जा सकता है और शिवसेना अपना कोई हिंदुत्व का कार्ड खेलना चाहती होगी, तो बस ये एक कोरी राजनीति है औरंगाबाद का नाम बदलना। और जब तक महानगर पालिका का चुनाव नहीं हो जाता तब तक ये जो मुद्दा है जबरदस्त तरीके से उछाला जाएगा। देखिए, हमारी राजनीति का मुद्दा ये कभी भी नहीं रहा, ना हमने कभी भी इस मुद्दे को बनाया, ना कभी हमारे ये केंद्र बिंदु में रहा ये मुद्दा। शिवसेना का रहा होगा पुराना एजेंडा, इसकी हमें जानकारी नहीं है, ना हमने इनका पुराने एजेंडा पे सरकार चल रही है, सरकार नए एजेंडा के तहत जो तीनों दलों का एक घटक दलों का एक समान एजेंडा है उसके तहत सरकार काम करेगी और उसी के तहत सरकार काम करेगी। चुनाव में किसका क्या एजेंडा है, वो क्या वायदा करके जाना चाहते हैं शिवसेना, उस चीज के लिए स्वतंत्र है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार जो है किसी एक दल की सरकार नहीं है, तो इसलिए कोई भी एक दल चाहे कि स्वतंत्रता से अपना निर्णय ले सकें और दूसरे दलों को वो चीज नहीं हो पसंद तो वो चीज संभव नहीं है। गठबंधन के अपने कुछ ना कुछ नियम होते हैं, कुछ ना कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ ना कुछ जो है बंधन भी होते हैं। गठबंधन का मतलब यही है कि गट और बंधन, तो ये बंधन के तहत जो बंधे होते हैं जब दल, तो स्वतंत्रता से आप पूरी तरह से बात नहीं, कायदे में वही बात करनी चाहिए जो गठबंधन की बात है और वही कांग्रेस पार्टी उसके लिए हम लोगों ने कोई ऐसा मुद्दा ना उठाया, ना कभी किसी राज्य में जहां जहां हमारी गठबंधन की सरकार रही चाहे केंद्र में गठबंधन की सरकार रही, कभी भी अपने इस प्रकार से कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं उठाया गया हमारी सरकार पार्टी की तरफ से जिससे हमारे घटक दलों को कोई भी आपत्ति हो। ठीक है, शशि यादव जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अल्पसंख्यक वोट बैंक हासिल करना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये उनका हमेशा से वोट बैंक रहा है और औरंगाबाद तो अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर फिलहाल वहां भले ही MIM का दबदबा हो लेकिन वोट बैंक की राजनीति उनको भी करनी है, आपको हिंदुत्व का कार्ड खेलना है, तो क्या आपको लग रहा है ये मसला इतनी आसानी से सुलझ जाएगा? और सबसे बड़ी बात मैं आपको जानकारी दे दूं, औरंगाबाद में आज जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और कहा गया है कि औरंगाबाद का नाम नहीं बदलने दिया जाएगा। देखिए, बराबर है आप जो बता रही हैं, आपके माध्यम से मुझे अभी ये जानकारी मिल रही है कि वहां पे कोई धरना प्रदर्शन हुआ है, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो बातें जो उभर के आ रही हैं ये कहीं ना कहीं एक छोटी सी चिंगारी की तरह आ रही है और अभी तक कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं रखा गया, लेकिन हम अपने मुद्दे पे शिवसेना कहीं भी पहले से ही कायम है कि ये प्रस्ताव पुराना है और अगर बाकी राज्यों का नाम बदला जा सकता है या बाकी जिलों का नाम बदला जा सकता है तो क्यों नहीं औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजीनगर रखा जाए। लेकिन अगर ये जो बातें हैं कि भाई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तरह पक्का ये जो बातें हैं कि हम सब मिलके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही काम कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर काम किया जा रहा है, ये मुद्दे कुछ पुराने हैं और ये मुद्दे को आज भी कोई जानबूझ के नहीं उठाया जा रहा है, ये मुद्दे पुराने हैं और ये हमारा पहले से मुद्दा रहा है कि नहीं कहीं ना कहीं उसका नाम बदला जाना चाहिए। तो वो तो कह रहे हैं ना, अनुज जी भी तो कह रहे हैं कि कई ऐसे मुद्दे हमारे भी थे, कई ऐसे एजेंडे हमारे भी थे जिसे हमने दरकिनार कर दिया ये सोचकर कि गठबंधन जब हमने किया है तो गठबंधन का धर्म निभाना पड़ेगा और किसी एक पार्टी का एजेंडा नहीं चल पाएगा। अगर आप इस बात की रट लगा के रहेंगे कि ये तो हमारा पुराना एजेंडा था तो किस तरह से काम चलेगा और आप कैसे समझा पाएंगे कांग्रेस को कि हमारा पुराना एजेंडा है और हमें इस एजेंडे पर काम करना है? पल्लवी जी, किसी भी सरकार में मुख्यमंत्री का आखिरी निर्णय होता है और उसमें मुझे यह लगता है कि जो भी राष्ट्रवादी के जो नेते हैं या हमारे कांग्रेस के जो नेते हैं या हमारे
मुख्यमंत्री सन्माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब हैं या हमारे नगर विकास मंत्री सन्माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब हैं, ये सब बैठ के आपस में ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई हमारे में आपस में मतभेद नहीं, 100% दिया जाएगा। कहते हैं ना कि लोगों को तो उसमें जानबूझ के कुछ ना कुछ डालना की आदत पड़ी है और बीजेपी तो बस उसमें माहिर है, कुछ उनको करना नहीं है, जब तक उनका था तो कुछ काम नहीं हुआ और अब हम लोग काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें चिंगारी डाल के भड़काने का काम चल रहा है। तो हम हमारे जितने भी नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन बातों को समझते हैं और हमारे कांग्रेस के नेता हैं वो भी इस बातों को समझते हैं और हम लोग मिल के ये मुद्दों को सुलझा लेंगे। ठीक है सर, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार अपने पूरे 5 साल अच्छे से पूरे करे ताकि महाराष्ट्र का विकास हो सके। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर इस समय महाराष्ट्र में सियासत चल रही है, शिवसेना और कांग्रेस में ठनी हुई है, वहीं बीजेपी लगातार चुटकी ले रही है और कहा जा रहा है कि ये सिर्फ दिखावे की लड़ाई है और यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।